वेलकम टू माई YouTube चैनल तो आज मैं फिर से आ गई हूँ कि एक डिज़ाइन के साथ एक नए और यहाँ पर मैंने दो केक स्पॉन्च बना लिए थे वाइट वाले केक स्पॉन्च बनाए थे ये मैंने सेवन इंच मोल्ड पे ढाई सौ ग्राम और ढाई सौ ग्राम लेके मैंने बिल्कुल ये बना के पहले से ठंडा कर लिया था सेवन इंच मोल्ड पे और ये जो केक है हमारा डेढ़ के जी से थोड़ा ऊपर बनने वाला है तो जैसे हम कटिंग करते हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे और कस्टमर की डिमांड थी कि केक जो है ना हमें दो फ्लेवर का चाहिए एक जो है वेनीला फ्लेवर और एक जो है वो बिल्कुल बटर स्कॉच चाहिए हमें लेकिन ये जो केक है ये टू टायर का आज नहीं बनेगा ये बिल्कुल इन्हें वन टायर में ही चाहिए था यानी कि सिंगल केक चाहिए था ज़्यादा इसकी हाइट जो है वो टॉल नहीं चाहिए थी यानी कि टॉल केक नहीं चाहिए था फ्लैट में ही चाहिए था लेकिन जो फ्लेवर्स है वो दो चाहिए तो जैसे हम कटिंग करते हैं बिल्कुल वैसे ही इसकी कटिंग करेंगे तो फ्रेंड्स मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम आप जो क्रीम यूज़ करते हो उस पर आप थोड़ा वो कम यूज़ करें ज़्यादा ना करें क्योंकि गला खराब हो जाता है तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो भी आप बेकिंग प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो वो बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का ही आप रखें मैं हमेशा अपनी पहली भी वीडियोस मैंने ये बिल्कुल बताया है कि जो भी बेकिंग करते, उसकी डेट क्वालिटी हमेशा जो है ना बिल्कुल चेक करके ही आप लें थोड़े बहुत कम पैसे के चलते जो है ना आप प्रोडक्ट्स को खरीदें और कभी भी जो क्रीम है उसके साथ आपका गला खराब नहीं होता है बस जो बहुत छोटे बच्चे हैं जैसे टू ईयर्स या थ्री ईर्स के बच्चे बस उन्हें क्वांटिटी में ना दें क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को ज्यादा वाली चीज़ खाने से लेकिन जो बड़े हैं बाकी रेस्ट हैं ऐसा कुछ नहीं है कि जो केक है गले के मतलब गला खराब हो जाता है उसके साथ क्योंकि ये खाने वाली चीज़ें हैं बेकिंग प्रोडक्ट्स है तो जो बेकिंग प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं ना वो भी बिल्कुल जो है ना ध्यान रख के चीज़ों को इंग्रीडियंट्स को मिलाते हैं क्वालिटी का बिल्कुल ध्यान रखते हैं प्रोडक्ट्स का ध्यान रखते हैं कि कैसा मार्केट में परचेज कर रहे हैं ताकि कैसा जो है ना हमसे जो कस्टमर से वो हमसे सेल करेंगे लेंगे और कैसा वो अपनी बेकिंग में केक में यूज़ करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं इसी तरीके का मैंने कमेंट का रिप्लाई दिया था अपने लास्ट वाले वीडियो पे मुझे किसी ने उसमें कमेंट किया था कि मैम मेरी जो क्रश है पाइन उसका टेस्ट बिल्कुल वही है लेकिन डेट जो है ना मैन्युफैक्चर वो एक्सपायर कर गई है तो मैंने यही कहा था कि आप ये ना देखें कि आपके पास जो पाइनएप्पल क्रश है वो बच गया है तो आप उसे यूज़ कर ले भले उसका टेस्ट सेम है लेकिन अगर वो एक्सपायरी हो गया तो आप उसे बिल्कुल भी ना यूज़ करें चाहे वो कितना भी क्यों ना बच गया हो आप उसे बिल्कुल भी यूज़ ना करें भले उसका टेस्ट भी जो है ना वो सेम ही हो क्योंकि बहुत सारे उसमें प्रिजर्वेटिवस होते हैं जिसके चलते जो है टेस्ट जो है ना बिल्कुल सेम ही हमें लगता है ताकि वो लॉन्ग पीरियड तक जो है ना मार्केट में सेल होता रहे क्योंकि बहुत लोग नहीं भी ध्यान देते हैं एक्सपायरी डेट पे और वो परचेस कर लेते हैं तो इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ बिल्कुल और क्रीम जो है जैसा मैं कहती हूँ कस्टमर जब मुझे कहते हैं कि ज़्यादा चाहिए तो मैं उसके हिसाब से ज़्यादा ही क्रीम कस्टमाइज़ करती हूँ और अगर कम कहते हैं कस्टमर तो मैं कम क्रीम ही लगाती हूँ तो ये जो क्रीम वाली है ये पार्ट भी मैंने आपको पहले क्लियर किया है कि क्रीम जो है ना अब अपने हिसाब से ज़्यादा कम जैसा कस्टमर आपको बोलता है वैसा ही आप करें क्योंकि बहुत कस्टमर्स ऐसे हैं जिनकी डिमांड होती है कि हमें केक में थोड़ी सी क्रीम ज़्यादा चाहिए और कुछ कहते हैं कि हमें जो क्रीम है ना वो थोड़ी कम चाहिए जितना आप लगाते हो उससे भी कम चाहिए तो ये चीज़ें जो है ना ये बिल्कुल टोटली कस्टमाइज होती हैं जब भी आप ऑर्डर लेते हो और भी मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम अगर चॉकलेट केक हम बिल्कुल चॉकलेट वाला बनाना हो तो कैसे बनाएं इसकी भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि अगर आप चॉकलेट बेस के साथ केक बना रहे हो कि केक जो है आपको पूरा चॉकलेट चाहिए इन से और आउटसाइड जो पोर्शन है उसे कैसे कवर करें तो वो भी डिटेल में आपके साथ बिल्कुल शेयर करूंगी क्योंकि अगर मैं आपको इसका रिप्लाई अभी दूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा मैं चीजों को डिटेलिंग के साथ ही बिल्कुल जैसा मैं वीडियो में शेयर करूंगी आपको देख के बिल्कुल समझ में आएगा और आप सब जितने मुझे कमेंट्स कर रहे हो सच में बहुत अच्छा लगता है जो भी मुझे पॉजिटिव कमेंट्स कर रहे हैं सबका दिल से बहुत शुक्रिया इतने शॉर्ट टाइम में आप सबने मुझे इतना प्यार दिया इतने अच्छे कमेंट करते हो और जो भी क्वेश्चंस आपके होते हैं मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं उन सब के जो है ना जवाब आप दे सकूँ जितने भी मुझे पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं और इतना अच्छा मुझे सपोर्ट करते हैं सबके लिए दिल से फिर से थैंक यू और जो मुझे नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं कुछ कुछ है तो कोई बात नहीं मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने काम को थोड़ा और इम्प्रूव करूँ और जो केक है उसकी वेट भी मैं आपको बताऊँ क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है फ्रेंड्स की दिमाग से निकल जाता है क्योंकि केक के ऑर्डर्स होते हैं तो कुछ कुछ ही मैं आपके साथ जो है ना शेयर कर पाती हूँ रिकॉर्ड कर पाती हूँ सारे नहीं कर पाती हूँ तो बहुत रश हो जाता है जब डिलीवरी देनी पड़ती है केक की या फिर सेल्फ़ पिकअप के लिए आते हैं केक बहुत सारे होते हैं तो इसीलिए मैं कई बार जो है ना बिल्कुल शेयर नहीं कर पाती हूँ केक की वेट लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको जो है ना केक की वेट और कभी कभी मैं भूल जाती हूँ आपको प्राइस बताना केक का तो क्योंकि आइडिया नहीं उतना वीडियो नहीं है मेरी नया नया मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ नया चैनल है तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि केक की जो वेट है और जो प्राइज़ है ना मैं हर वीडियो के साथ आपके साथ बिल्कुल शेयर और जितना पॉसिबल हो सके डेकोरेशन पार्ट फॉन्टेंट का और ऐसे भी जितने भी क्रीम केक्स है जो मेरे पास आएंगे ऑर्डर्स के लिए मैं सारे आपके साथ शेयर करूं और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके साथ शेयर करूँ और कभी कभी रेगुलरिटी नहीं हो पाती है मैं रेगुलर नहीं आ पाती हूँ तो इसीलिए जो है ना वीडियोज एकदम मिस हो जाती है लेकिन बिल्कुल ऐसे ही सपोर्ट करें ताकि जो है ना मैं आपके साथ हर एक चीज वीडियोज है ना बिल्कुल शेयर करूँ और अभी तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिल रही है आप सबके इतने अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं जो भी मुझे कमेंट्स कर रहे हैं मैं सबके कमेंट्स बहुत बहुत नोटिस करती हूँ कि कौन कौन मुझे ना बहुत अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं उन सब के लिए दिल से शुक्रिया तो थैंक यू इस तरीके से देखें केक की जो आइसिंग थी वो मैंने कर ली थी बिल्कुल एक साइड पे तीन लेयर्स पे मैंने बिल्कुल सेम प्लेन क्रीम लगा ली थी और तीन वाले पे जो थी ना मैंने बिल्कुल बटर स्कॉच लगा ली थी और यहाँ पे मैंने जो थी ना पिंक क्रीम बस ली थी थोड़ी सी एक ड्रॉप ही मैंने पिंक कलर यूज़ किया था और उसके बस मिक्स कर लिया था क्रीम के साथ और इस तरीके से इसकी आइसिंग करके देखें इसकी जो एजेस थी उसे मैंने बिल्कुल क्लीन कर लिया जो हमारा स्क्रैपर था उसके साथ और ये जो टॉप सर्फिस थी इसे भी बिल्कुल अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया और क्लीन करने के बाद जो बोर्ड है उसे भी बिल्कुल हम अच्छे से क्लीन करेंगे और इसे जो है ना ठंडा होने के लिए बिल्कुल अच्छे से फ्रिज में रख देंगे ताकि बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो इसे मैंने दो घंटे जो था ना पहले फ़्रिज में रख लिया था और यहाँ पर जो है डेकोरेशन मैंने पहले कर ली फ्रेंड्स और ये वाला जो मुझे केक का ऑर्डर आया था ना ये मुझे लेना नहीं था लेकिन ये जो मेरे कस्टमर थे ना ये भी रेगुलर कस्टमर थे इन्होंने मुझे बहुत फोर्सफुली बहुत ट्रस्ट के साथ जो ना ये ऑर्डर दिया और केक जो था मैंने ये रात को ही बेक करके आइसिंग करके बिल्कुल फ्रिज में रख दिया था दो घंटे तक पहले मैंने ऐसे रखा था उसके बाद जो था ना मैंने सोचा कि इसकी डेकोरेशन अभी करती हूँ लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं मैं सुबह करूँगी इसकी डेकोरेशन तो केक को मैंने बिल्कुल अच्छे से फ्रिज में ठंड होने के लिए ओवरनाइट तक छोड़ दिया था और उसके बाद सुबह उठ के मैंने अर्ली इन मॉर्निंग दस बजे तक मुझे केक देना था क्योंकि उस दिन मेरे घर पे पूजा थी तो मैंने मना कर दिया था ऑर्डर के लिए और बाकी भी जितने ऑर्डर्स थे मेरे मैंने वो नहीं लिए थे कैंसिल कर दिए थे लेकिन इन्होंने ज़बरदस्ती दिया कि आपको जैसा है आप वैसा ही बना दो हमें लेकिन एक ट्रस्ट होता है कि हम आपसे लेते हैं मुझे आपसे ही चाहिए तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगी इसलिए मैंने रात को जो था ना केक को बिल्कुल बेक करके मैंने आइसिंग करके इसे फ्रिज में रख दिया था कि ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए सुबह उठ के बस जल्दी जल्दी से मैंने ये जितना भी फॉन्डेंट वर्क है ना ये सारा बिल्कुल कर लिया था और ये फॉन्डेंट वर्क की मैं अलग से वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी क्योंकि वीडियो जो है ना फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती है तो वीडियो का जो ये डेकोरेटिंग पार्ट है ना ये वीडियो में मैं अलग से ही शेयर करूँ ताकि आपको जो है ना बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए इसीलिए ये डेकोरेशन जो थी सुबह मैंने छः बजे उठ के सारी जो यहाँ पे फॉन्डेंट वर्क था वो कर लिया था मैंने बिल्कुल और उसके बाद दस बजे से पहले पहले जो था ना मैंने केक पे इस तरीके से जो है ना डेकोरेशन करनी स्टार्ट कर दी थी बिल्कुल फॉन्डेंट की जो मैंने बना के रखी हुई थी तो इसलिए मुझे पता था सुबह मुझे टाइम नहीं मिलेगा इसलिए मैंने बेकिंग प्रोसेस जो था आइसिंग जो था वो मैंने रात को ही करके बिल्कुल रख लिया था ताकि केक जो है ना बिल्कुल अंदर से एकदम कोर तक ठंडा भी हो जाए चिल्ड हो जाए और ये जो वनीला केक होता है ये और ज़्यादा चिल्ड जब हो जाता है ना फ्रेंड्स तो खाने में और ज़्यादा टेस्टी लगता है बिल्कुल तो इस तरीके से मैंने ये देखे बॉय बनाया था इसकी भी फ़ोटो जो थी काफ़ी ये भी इंटरनेट पे है इसकी ये वाली बहुत कॉमन सी है जब ये केक पूरा बनेगा तो आपको समझ में आएगा कि ये केक कैसा था जो मुझे पिक्चर में मिला था क्योंकि आप सब में से बहुत जन हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये केक डिज़ाइन आप सब में से किसने किसने देखा है किसने अपने फ़ोन पर बिल्कुल जो है ना सेव करके रखा है या फिर किसने अपने कस्टमर को अभी तक बनाया बना के दिया है ये वाला डिज़ाइन ये ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएँ क्योंकि ये वाला जो एनिवर्सरी केक है ना कस्टमाइजेशन ये अगर किसी ने देखा होगा तो उन्हें बिल्कुल पता होगा कि ये फ़ोटो में कैसा था और ये मैंने कैसा बनाया है क्योंकि ये बहुत लोगों के पास होगी फोटो क्योंकि नेट पे भी बहुत ज़्यादा ये फ़ोटो है तो इसीलिए ये बिल्कुल मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं काफ़ी अच्छा लगता है और ऐसे ही चैनल जो है मेरा सपोर्ट करते रहे सब्सक्राइब करते रहें चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है फ्रेंड्स शेयर बिल्कुल करें अपने फ्रेंड्स के साथ अपने रिलेटिव्स के साथ अगर आपको मेरे केक अच्छे लगते आइडियाज़ अच्छे लगते हैं तो बिल्कुल करें शेयर इस तरीके से देखें मैंने ये जो यू शेप में था ये मैंने पेंट भी बनाई थी और ये वाली यहाँ पे एक बास्केट थी जिस पर दो छोटे से एप्पल बने हुए थे तो ये भी जो है ना मैंने इस तरीके से बास्केट बना के इसे भी रख दिया और ये जो बॉय मैंने बनाया है इसकी आगे भी मैंने वीडियो जो है आपके साथ शेयर की है कि जो लेग्स है बाकी बॉडी पार्ट से कैसे बनाने लेकिन फिर भी आपके साथ मैं एक बार फिर से शेयर कर दूँगी तो अलग से इसकी वीडियो बना के बिल्कुल ताकि आपको जो है ना ईज़ी हो जाए यहाँ पर देखिए ये जो गर्ल थी ये भी मैंने बना लिया था सिंपल इसकी बॉडी बनाई थी साथ में यहाँ पे कट करके इसकी फ़्रॉक मैंने बना ली थी और साथ में ये देखिए यू शेप में इस तरीके से इसके लेग्स मैंने बना लिए थे तो यहाँ पे आप देखें मैं टूथपिक के साथ हर एक चीज़ जो है ना बिल्कुल अच्छे से फिक्स कर रही हूँ ताकि जो केक है ना उसमें बिल्कुल भी जो ये फॉन्डेंट है गिरे ना बहुत जन कहते हैं कि मैम जो फॉन्डेंट है वो गिरते नहीं है फ्लावर्स गिरते नहीं तो बिल्कुल नहीं करते आप बिल्कुल अच्छे से फ़िक्स करें और अगर आपको फिर भी थोड़ी टेंशन होती है कि कहीं गिर ना जाए तो आप टूथपिक की हेल्प से ये जो छोटी वाली टूथपिक होती है ना इसकी हेल्प से भी बिल्कुल अच्छे से जो है ना फिक्स करें एक एक चीज़ों को ये बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिलेंगे जहाँ फिक्स है बिल्कुल वहीं रहेंगे आप कितनी भी दूर अगर ट्रेवलिंग पे भी ये केक लेके जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी केक जो है ना बिल्कुल अच्छे से फिक्स करें केक की जो लेयर्स है उसे भी बिल्कुल अच्छे से फिक्स करें ताकि वो भी बिल्कुल टूटे ना गिरे ना और उसे ठंडा बिल्कुल अच्छे से कर ले ताकि क्रीम जो है ना ब्रेड के साथ बिल्कुल अच्छे से जो है ना फिक्स हो जाए एकदम कोर तक केक जो है ठंडा हो जाए वो अपनी लेयर को बिल्कुल अच्छे से पकड़ ले अगर इस तरीके से केक बिल्कुल अच्छे से ठंडा होगा क्रीम उस पर बिल्कुल अच्छे से सेट होगी और उसके बाद अगर आप फॉन्डेंट को इस तरीके से आप सेट करते ना तो आपका केक जो है ना कहीं भी इधर से उधर नहीं होने वाला ये बिल्कुल अपनी जगह पर ही फिक्स रहेगा इसकी गारंटी है बस आप चीज़ों को जैसे मैं आपको दिखाती हूँ बार बार हर वीडियो में बिल्कुल ऐसे ही करें और लॉलीपॉप स्टिक के साथ बहुत ईजी हो जाता है काम और मुझे कमेंट्स में किसी ने कहा था मैम लॉलीपॉप स्टिक्स कहाँ से मिलती है ये आप ऑनलाइन भी ले सकते हो या फिर आपके घर के पास या मार्केट में जो भी लोकल प्रोडक्ट बेकरी प्रोडक्ट जहाँ से मिलते हैं आप वहाँ से भी इसे परचेस कर सकते हो तो ये देखिए इस तरीके से मैंने बॉडी बना ली थी सिंपल बॉडी बनाई थी मैंने कुछ भी नहीं था आप देख रहे थे और यहाँ पर इसका हेड लगा लिया था मैंने बिल्कुल और ये देखिए ये जो छोटे वाले फ्लावर है ना जो कटर से जिसके साथ मैंने आपको छोटे वाले फ्लावर्स बताए थे ये सारे मैंने उसके साथ ही कट किए थे तो एक पिंक वाला मैंने बिल्कुल ऐसे कट कर लिया था और ये देखिए ये हैंड्स भी मैंने बिल्कुल सिंपल ऐसे ही बस रोल करके बनाए थे आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने कुछ भी फिंगर्स वगैरह नहीं बनाई है क्योंकि ये ऐसे ही रियलिस्टिक पूरे लग रहे थे बिल्कुल और फोटो में भी कुछ इस तरीके से थे तो बिल्कुल मैंने वैसे ही बनाया बस हाथ से थोड़ी सी इसकी शेप दे दी थी ताकि ये बिल्कुल हैंड लगे कि जैसा ये बिल्कुल ओरिजिनल है जिस टाइप का हमें चाहिए बिल्कुल उस तरीके से लगे कुछ तो देखिए केक जो है बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो गया है क्रीम के साथ बिल्कुल बैठ गया है बिल्कुल और बाकी जो चीज़ें थी मैंने बिल्कुल टूथपिक के साथ इसे अच्छे से फ़िक्स कर लिया और यहाँ पर मैंने दो हार्ट्स थे ये बना ले थे ये मैंने कटिंग करके बनाए थे डिटेलिंग नाइफ के साथ मैंने हार्ट वाली शेप देखे इसे कट कर लिया था और ऐसे मैंने चार कट कर लिए थे यानी टूथपिक की हेल्प से मैंने दोनों साइड से इसे फिक्स कर लिया था बिल्कुल अच्छे से और इसे भी लगा दिया और जो छोटे वाले फ्लावर्स है वाइट वाले जो मैंने पहले भी आपको दिखाए थे कि फॉर एंड कटर के साथ मैंने काटे जैसे मैंने ये गर्ल के एकदम बिल्कुल हेयर्स पे लगाए हैं वैसे ये देखें यहाँ पे बड़े और छोटे हैं ये मैंने दोनों कट कर लिए हैं तो यहाँ पर ये जितना है फ्लावर्स बन, मैं लगा दूँगी जितना ये खाली पोर्शन है जहाँ पर मुझे लग रहा है कि फ्लावर्स लगाने चाहिए बिल्कुल वहीं लगाऊँगी और जैसा मैंने आपको बोला कि कस्टमर ने मुझे बोला था कि मैम बोला था कि कस्टमर ने मुझे बोला था कि मैम जो है ना ज़्यादा फ्लावर्स हमें नहीं चाहिए फॉन्डेंट में थोड़े कम चाहिए तो मैंने उसके हिसाब से ही बिल्कुल सोचा कि इसे फिक्स करूं तो केक जो था बिल्कुल अच्छे से इतना ठंडा हो गया था कि इस पर वर्क करना भी बहुत अच्छा लग रहा था काफ़ी फिनिश लुक भी हो गई थी थोड़ी सी और और जो क्रीम है वो काफ़ी अच्छे से सेट हो से गई थी और इस पर यहाँ पर जो मैंने ये वाले फॉन्डेंट के फिगर्स बनाए थे ना ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे अट्रैक्टिव लग रहे थे और ये जो केक था मेरा ये डेढ़ के से डेढ़ के उन्हें चाहिए था लेकिन से थोड़ा सा ज़्यादा ही बना था पर कोई बात नहीं मेरे रेगुलर कस्टमर हैं और हम होम मेकर तो होता है हम शॉप वाले नहीं हैं कि आपको चीज़ें जो है ना बिल्कुल एकदम मेजर करके ही दे, हमेशा ही दें हमेशा ज़्यादा होती हैं और ये जो केक है इसकी प्राइस टोटल मैंने फिफ्टी ले ली थी यानी कि हंड्रेड फिफ्टी ली थी मैंने इसकी प्राइस तो उन्होंने भी बिल्कुल अच्छे से दे दी हमें खुश होकर कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि केक का जो फ्लेवर था वो भी अच्छा लगा केक की जो डेकोरेशन थी वो भी बिल्कुल उन्हें अच्छी लगी हमारे केक की तो काफ़ी अच्छा <Mile God of Valeurality> लगा उन्हें कि मैंने इतने शॉर्ट नोटिस पे भी उन्हें बिल्कुल बना के दिया मेरे घर पे भी पूजा थी काम था तो मैंने सबके केक के, के जो ऑर्डर थे वो कैंसिल कर दिए लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे जबरदस्ती दिया जिस ट्रस्ट के साथ मैंने उन्हें बेस्ट ही करके दिया बेस्ट बना के दिया बिल्कुल तो ये जो केक के था ये उन्हें किसी को गिफ्ट करना था तो उन्होंने जिनको गिफ्ट करना था उनसे उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की थी मेरी कि मैं जिनसे केक लेता हूँ वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा केक बनाती हैं या फिर उनके केक मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं तो ये केक उन्हें उनके एनिवर्सरी में ही गिफ्ट करना था जिसके लिए उन्होंने मुझे बहुत उम्मीद के साथ जो था ना केक का ऑर्डर दिया था इसीलिए मैंने फिर मना भी नहीं किया एक दो बार मना किया था लेकिन फिर मैं ज़्यादा मना नहीं कर पाई मैंने कहा नहीं काम है तो करना ही पड़ेगा बनाना ही पड़ेगा अगर कोई मुझे इतने भरोसे के साथ कह रहा है तो तो इस तरीके से मैंने जितने भी फ्लावर्स थे देखे बिल्कुल लगाए अब ये जो डिज़ाइन बन गया है फ्रेंड्स इस डिज़ाइन को देख के आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा कि ये कौन सा डिज़ाइन है जिसकी जो फ़ोटो है ना वो नेट पर भी बहुत ज़्यादा है और बहुत लोगों ने शायद होपफुली ये वाला केक जो है डिज़ाइन देखा होगा बनाया भी होगा हो सकता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसकी ये देखें ये क्लोजअप लुक है आप तो केक जो था बन के बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया था अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे मेरे केक के आइडियाज़ आपको अच्छे लगे और जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अगर आप सबको वो अच्छे लगते हैं तो मुझे ज़रूर जरूर बताएँ ताकि ऐसे ही मैं आपके साथ आगे भी अपने के के आइडियाज़ वीडियोस और अपने जो भी एक्सपीरियंस है, वो बिल्कुल आपके साथ शेयर करूं वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें थैंक्स फ़ॉर वॉचिंग